तथाकथित किसान आंदोलन जो चला था उसका प्रभाव हरियाणा में देखने के लिए मिला। हरियाणा में आरक्षण का मुद्दा भी रहा था, हरियाणा में 35 versus 1, ये जो 35। लेकिन इस बार जाटों का रुख क्या है? डिवीजन निश्चित तौर पर होगा, बीजेपी ने नैरेटिव, बीजेपी ने नैरेटिव नहीं बनाया हरियाणा में जाटों के लिए, तो लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं चाहा कि जाट हमारे से दूर चला जाए। इसमें हरियाणा के ही एक परिवार के ही हैं सब ये सब लोग जो इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख भी रहे होंगे कि पहलवानों ने तो अभी कांग्रेस को ज्वाइन भी किया है, तो ये जो सेंटिमेंट्स थे सब लोगों के मिस फोगाट के साथ थे। खैर, अब वो राजनीति में आ गई हैं तो उन्होंने इन सभी अटकलों को खुद ही मोर लगा दी। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट दिया, ये लिया है विनेश फोगाट को। बस बीजेपी ने जहाँ तक मैं समझता हूँ ये समझा के, क्योंकि इनकी बहनों ने एक मूवमेंट चला है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो राजनीति के शिकार हुए हैं। मनु भाकर ने तो दो दो पदक जीते हैं, कहाँ से पता हरियाणा की है। लेकिन जाट कम्युनिटी को इसका नुकसान देश भर में हुआ है, हमारे समाज को 2016 में जाट आरक्षण से हरियाणा में नुकसान हुआ था। जाट जो है इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट मैक्सिमम करने वाले हैं। बीजेपी को लेकर जाटों के मन में क्या है, क्या चलता रहता है? जाटों को मैं सबसे ज्यादा गवर्नर बीजेपी ने बनाया, आज जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ लाइन में क्यों आना पड़ा? वे आंदोलन से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, आंदोलन से जिसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड टाइप का वो जाट तो हुंडा को पसंद करता है, और जो देहाती टाइप है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहता है। बीजेपी को अगर कहीं कमी पड़ती है, क्या बीजेपी गिरा सकती है या बिल्कुल दूरियां होगी, क्या लग रहा है? जब ये स्थिति आएगी तब विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी चुनाव है। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या वो दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, खुद बनेंगे?